नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने दोहरा शतक जड़ इतिहास रच दिया। लैथम ने 373 गेंदों पर 252 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 34 चौके और 2 छक्के जड़े। ये उनके टेस्ट कैरियर का दूसरा दोहरा शतक है। लैथम को बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने पवेलियन की राह दिखाई। लैथम ने अपनी इस बेहतरीन पारी के दम पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। टॉम लैथम ने 252 रनों की पारी खेली, जो क्राइस्टचर्च के मैदान पर किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी दोहरा शतक बनाने वाले कप्तान को विपक्षी टीम के कप्तान ने आउट किया है। पहली बार ऐसा साल 1966 में हुआ था, जब वेस्टइंडीज के कप्तान डेनिस एटकिंसन को ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई करने वाले इयान जॉनसन ने अपना शिकार बनाया था। इसके अलावा लैथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे 252 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब 0 से लेकर 264 तक के सभी स्कोर कम से कम एक बार बन चुके हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लैथम का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 264 रन है। इतना ही नहीं, क्राइस्ट चर्च टेस्ट में एक अनोखा इत्तेफाक भी देखने को मिला है। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में पिछले दोनों 250 के स्कोर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बनाए हैं। लैथम से पहले टेस्ट में केन विलियमसन ने साल 2020 में यह आंकड़ा वेस्टइंडीज के खिलाफ छुआ था। लेकिन यहां सबसे अजीब संयोग ये है कि दोनों ही इन पारियों को खेलते समय टीम के कप्तान थे। दोनों ने अपनी पारियों में 34 चौके और 2 छक्के जड़े। दोनों ने छक्के के साथ 250 रन पूरे किए और फिर अगली ही गेंद पर दोनों आउट भी हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के आउट होने पर न्यूजीलैंड ने ठीक 19 गेंद बाद पारी घोषित कर दी। बता दें कि लैथम के शानदार दोहरे शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 521 रन बनाकर घोषित कर दी है। इसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 126 रनों पर सिमट गई है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश पर 395 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।